राजधानी में एमआई रोड पर मंगलवार को वकीलों ने ट्रैफिक स्ट्रेन की कर्मचारियों पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए रोड पर जाम लगा दिया। वकीलों का कहना था कि एमआई रोड पर जा रहे वकील कुलदीप के साथ ट्रैफिक स्ट्रेन कर्मचारी ने मारपीट की, जिसकी शिकायत मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को दी गई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर गुस्साए वकीलों ने एमआई रोड पर जाम लगा दिया, जिससे यहां पर करीब 1.5 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गई। सूचना के बाद में पुलिस अधिकारियों ने मौके पर जाकर के समझाइश की कोशिश की और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। पहले समय समाप्त होने के बाद एमआई रोड से वकील साहब जा रहे थे, तो ट्रैफिक वाले जो है उन्होंने अपने ट्रक को मेन रोड पे खड़ा करा और तीन जो उनके हेल्पर उतर के वो गाड़ियाँ अंधाधुंध गाड़ियाँ चढ़ाने लगे गाड़ी में, और उसी दौरान उनकी गाड़ी आ रही थी वकील साहब की और वो बीच में गाड़ी को लेके आ गए और उससे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में उन्होंने तीनों हेल्परों ने मिलकर वकील साहब को मारा और उनके साथ मारपीट की। वहाँ जो पुलिस का उपस्थित था उसने बीच बचाव भी नहीं कराया, जबकि उसका फर्ज बनता उसके निरीक्षण में थे। हमने ट्रैफिक इंचार्ज आए संजीव जी उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं कि मेरे पास नाम ही नहीं है, इसकी ड्यूटी लगी हुई है। एक्चुअली ये स्थिति की जो ट्रैफिक में गाड़ी उठाने वाले जो होते हैं टू व्हीलर, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, क्रिमिनल लोग होते हैं और वो ऐसा पैसा लोग होते हैं, वो दारू पीते हैं, भांग खाते हैं, गांजा खाते हैं और वो मात्र गाड़ी उठाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस का भी कमीशन उनसे सेट होता है। मांग आपकी क्या है, मतलब उन तीनों को हटाने की? हमारी मांग उन तीनों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अभी थाना में लेके जाए। हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया एमआई रोड पे और फिर बाद में सबके आने के बाद हमने फैसला लिया हम विधायकपुरी थाने जा रहे हैं और विधायकपुरी इंचार्ज सबने आश्वासन दिया डिप्टी साहब निविचंद जी ने, जो हम तीनों को बुलाएंगे।